हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव और राजीव किचन इन्फो में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे डीप फ्राई की हुई पनीर की सब्ज़ी, वो भी अपने स्टाइल में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस रेसिपी के लिए हमने 2 से 3 टमाटर लिए हैं, 2 से 3 प्याज मीडियम साइज़ के, और 2 साबुत लहसुन की कलियां, 2 इंच अदरक का टुकड़ा और सूखी मिर्च। तीनों का हमने पेस्ट तैयार कर लिया मिक्सी जार में। पनीर फ्राई करते समय आपका पनीर कढ़ाई में ना सटे, इसका सीक्रेट यही है कि आप कढ़ाई को 4 से 5 मिनट तक पहले ही हीट कर दें। उसके बाद बची हुई तेल में हम हरी मिर्च का 2-3 टुकड़ा डालेंगे, उसके बाद पंचफोरन डालेंगे, ये लगभग मीडियम साइज के चम्मच से 1 चम्मच के आसपास डालेंगे। फिर इसे सुनहरा होने दें, उसके बाद पिसी हुई प्याज को हम डालेंगे। उसके बाद 4 से 5 मिनट तक इस प्याज को हाई फ्लेम पर पकाएंगे, तक जब तक कि हमारा प्याज तेल ना छोड़ दे। उसके बाद हम यहाँ तेज पत्ता ऐड करेंगे इसमें, फिर अदरक लहसुन और सूखी मिर्च का हमने जो पेस्ट तैयार किया था उसको यहाँ पे डालेंगे। और लास्ट में हम टमाटर का पेस्ट डालेंगे। इन सब को हमें 5 से 7 मिनट हाई फ्लेम पे पकाना है। अब बारी आती है इसमें मसाला ऐड करने की। तो सबसे पहले हम 1 चम्मच हल्दी डालेंगे, उसके बाद हम जीरा पाउडर डालेंगे 1 चम्मच, और 2 चम्मच हम धनिया पाउडर डालेंगे। डेढ़ चम्मच हमने मीट मसाला का प्रयोग किया है यहाँ पे। चार से पाँच मिनट मसाला पकाने के बाद हमें कुछ इस तरह का टेक्सचर हमें प्राप्त होगा। वैसे भी मसाला भूनने के बाद पता चल जाएगा हमें कि मसाला हमारा फ्राई हो चुका है, क्योंकि ये हमारे मसाले तेल छोड़ने लगते हैं। अब हम
आवश्यकता अनुसार इसमें पानी डालेंगे। आपको जितनी पानी डालनी हो आप अपने आवश्यकता अनुसार डालें। पानी डालने के बाद इसे 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पर पकाएंगे। उसके बाद इसमें आवश्यकता अनुसार नमक डालेंगे। अब बारी आती है फ्राई पनीर इसमें डालने की। फ्राई पनीर डालने के बाद इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। पनीर डालने के बाद हम इसमें गरम मसाला थोड़ी सी ऐड करेंगे। लास्ट में हम हरा धनिया ऐड करेंगे। तो हमारी डीप फ्राई पनीर की सब्जी तैयार हो गई फ्रेंड्स। मुझे तो अभी से ही मुंह में पानी आ गया है, शायद आपका भी आ गया हो। तो आप भी चाहें तो इस रेसिपी को अपने घर पे बना सकते हैं। अब हम इसे सर्व के लिए प्लेटिंग करेंगे। तो देखिए कितना अच्छा हमारा डीप फ्राई पनीर की सब्जी तैयार हुई है। आप चाहें तो इसे रोटी के साथ, पराठे के साथ या चावल के साथ भी खा सकते हैं और अपने बच्चे को भी खिला सकते हैं। दोस्तों अगर ये रेसिपी आपको भी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब और घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।